सुबह हो चुकी है और कल रात का क्रिसमस बहुत ही अच्छा मना हमारा। मॉल रोड पे मनाया हमने, सांता मिले हमें और देखा था जैसे कि आपने वीडियो में। बट आज का ब्लॉग कुछ अलग होगा और हम निकल रहे हैं आज। अभी तो उठा हूँ मैं जस्ट, और उठ के अभी फ्रेश फ्रेश होऊंगा और हम निकलेंगे फिर फ्रेश होके। हमें जाना है सोलांग, सोलांग में हमें स्नोफॉल देखना है, बर्फ़ गिरी होगी वहाँ वो देखनी है। और क्योंकि हमारा कभी मन था यहाँ ब्लॉग यहाँ बर्फ़ देखने को मनाली में, क्योंकि हफ्ता भर पहले यहाँ गए बर्फ़ पड़ी थी और हम नहीं देख पाए वो हफ्ता भर पहले बर्फ़। बट आज जाना है हमें, वो देखेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। साथ में कि एक तो अगर टाइम मिला तो हम वशिष टेम्पल वगैरह मनाली में व्यू है व्यू पॉइंट वो देख के चलेंगे जो नहीं देखे मैंने हमने अब तक। तो सभी बंदे वैसे मैं बता दूँ आपको, हमने ये एक रूम एक्स्ट्रा लिया कल रात को, तो चार लोग कंफर्टेबल नहीं थे वहाँ, तो मोहित और मैं यहाँ रहे। ये साला अभी तक सो रहा है। अरे उठ भाई, अरे अरे उठ जा, ओए बागड़ बिल्ले। अच्छा फोन चला रहा है, उठ जा भाई, उठ जा उठ जा, सुबह होगी। सोलांग नहीं चलना, बर्फ़ नहीं देखनी, बर्फ़ देखनी है, जल्दी से फ्रेश हो फिर चल चल। वो लोग उठ गए, चल उनको भी उठाता हूँ। देखिए आशीष यहाँ सो रहा है, उठ जा भाई उठ जा, बर्फ देखनी है ना। चल बिल्ली उठ जा, बर्फ़ देखनी है। हाय बोलो सबको, गुड मॉर्निंग, तो आज बर्फ़ देखने चलना नहीं चलना भाई? ठंड बहुत है, ठंड बहुत है, स्नोफॉल नहीं हो रहा यहाँ बट फिर भी ठंड बहुत है। कल क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करी, कैसे लगी आपको क्रिसमस यहाँ की? भाई बहुत बढ़िया चिकन, बहुत बढ़िया चिकन। और ये हमारे मुंशी जी वो तो फ्रेश हो आए हैं। मुंशी जी फ्रेश हो लिया आप? नहा भी लिए बाबू, नहा भी लिए। नहा लिए जी हाँ। अरे वाह क्या बात है, तो आज सोलांग में बर्फ देखने की इरादा है? बर्फ ही देखेंगे। सो गाइस टुडे इज वेदर व्यू द मॉल एट मनाली, वहां जाएंगे आज हम सोलांग। और वो अपनी गाड़ी खड़ी है ब्लैक कलर में। दिस इज द व्यू। चलो फ्रेश फ्रेश होगी गाइस, फिर मिलते हैं आपसे। मुंशी जी कपड़े पहन रहे हैं, मुंशी जी फ्रेश हो गए सबसे पहले। वाह भाई वाह। ब्रेकफास्ट करेंगे हम। तो भाइयों कैसा लगा आपको यहाँ का होम स्टे? भाई प्लीज एक बार प्रथम होम स्टे भी जरूर विजिट करना, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको रूम मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे रूम है। एंड आपको कोई भी सिफारिश हो तो प्लीज लिंक नीचे मिलेगा, आपको कोड मिल जाएगा, मोहित भारद्वाज। ठीक है बाय गाइस। वादियाँ और हसीन से उड़ चला हसीन दोस्त, हसीन वादियों में चार हसीन दोस्त, कोठी कोठी आ गई है, कोठी में एंटर कर चुके हैं हम। देख सकते हो गाइस चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, स्नो लाइन होना चाहिए था पर लाइन लिखा हुआ है, स्नो लाइन 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 लिखा हुआ है। देख के भी आसानी ली होनी है आगे। और यहाँ पे देखना खच्चर है, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस किसी को खच्चर की सवारी करनी हो, यहाँ का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है फिर भी एंड
फिर भी बर्फ है यहाँ पर, वो पहले हुई थी वो स्नोफॉल, इसीलिए बर्फ है यहाँ। रास्ते बड़े ही अजीबो गरीब है यहाँ पे। हम रेडी हैं और ये हमारे ब्लॉगर साहब अभी तक हमेशा लेट कॉलेज लाइफ में भी लेट। ये हमारे मोर साहब और ये हमारे जिन्होंने शूज प्रोवाइड किए हैं। हाँ भाई हो गया रेडी, सब रेडी। और एक छोटी सी ट्रैकिंग करेंगे हम लोग। और यार आगे ना रास्ता बंद है, मैं आपको दिखाऊँ। इसके बैरिक लगे हैं और इधर पैराग्लाइडिंग भी होती है। कोठी है ये, कोठी जगह का नाम है। इधर हम ब्रेकफास्ट करने के लिए सोच रहे थे। देखो अभी आइस, देखो आइस। सो गाइस अब रेडी हैं एंड कोठी में ट्रैकिंग करेंगे छोटी सी। सो आज इसे कैसा लग रहा आपको कोठी में आके? बहुत बढ़िया नजारा है और जरूर इस व्यू को देखने के लिए भाई और हम आए हैं मतलब गुलाबा देखने के लिए बस एक भाई। मैं इतना बिजी था ना, तो छुट्टियां मिल रही ना कुछ भी। वही बात है, इस व्यू को मिस नहीं कर सकता मैं, इसीलिए स्पेशल जैसे भी करके मैंने ये इंतजाम किया कि भाई घर जा लोन बैठा क्रेडिट कार्ड पर लोन लेकर के यहां पहुंच गए। साइड 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 गाइस, एक छोटी सी वो है गुलाबा बंद है। हाँ। नहीं तो गुलाबा में अच्छा, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो है, यहाँ भी बहुत ज्यादा स्नो है, यहाँ पे कोई कमी है। देखो पानी निकल भी रही है बर्फ, और मेन बात ये है कि भाई आपको बर्फ देखने को मिल रही है। हाँ। इससे ज्यादा अच्छा क्या हुआ। वाव इट्स चिलिंग यार, कितनी ठंड में ये भी भाई करने के लिए हिम्मत चाहिए। ये व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। अब हम जा रहे हैं सोलांग वैली। सोलांग वैली में बहुत एडवेंचर है, सुनने में आता है कि सोलांग वैली में बहुत ही एडवेंचर है, और इसीलिए हम जा रहे हैं सोलांग वैली एडवेंचर करने। देखते हैं कुछ एडवेंचर करने के लायक है वो। तो मुझे तो गाइस पैराग्लाइडिंग करनी है, अगर पैराग्लाइडिंग उधर अच्छे यानी कि रिजनेबल प्राइस में हुई तो पैराग्लाइडिंग करनी है। बाकी आप कोठी आओ,
अभी, इतने ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं यहाँ। तो इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करेंगे एंड नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपके साथ सोलांग वैली में। सो कीप वॉचिंग, बाय, कीप सपोर्ट आवर चैनल एंड कीप सपोर्ट अस।